हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, जिसमें से हमने टॉपिक नया स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से, एरर्स में हमने एरर क्या होता है ये देख लिया था, एंड टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं ये हमने देखे थे। हमने एरर को वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने एक एरर यानी सिस्टमेटिक एरर हमने डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इसके अगले दो टाइप्स पढ़ते हैं एरर के, जिसमें से है रेंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। स्टार्ट करते हैं रेंडम एरर से। रेंडम एरर क्या होता है? द कॉज ऑफ सच एरर आर नॉट नोन, दिस टाइप ऑफ एरर के नॉट बी एलिमिनेट। यानी कि रेंडम एरर का मतलब जो होता है कि एरर किस, हम जो रीडिंग ले रहे हैं और रीडिंग में कुछ एरर आ रहे हैं, तो एरर आ किस वजह से रहे ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर में क्या था, हमें कॉज पता है कि इंस्ट्रूमेंट ख़राब है या रीडिंग लेने का तरीका सही नहीं है वगैरह वगैरह से हमें ये पता होता है कि आया एरर कहाँ से आ रहा है। बट रेंडम एरर का मतलब है कि एरर हमने सब कुछ करके देख लिया, इंस्ट्रूमेंट भी सही सेट कर लिया, हम रीडिंग भी सही लेने लग गए, बट फिर भी कुछ ना कुछ एरर आ ही रहा है, तो ये इसको कहते हैं हम रेंडम एरर, कि हमें कॉज ही नहीं पता है कि वो आ कहाँ से रहा है। और इस टाइप के एरर को इजीली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी इंस्ट्रूमेंट को सेट करके, यानी इंस्ट्रूमेंट हम पता ही नहीं इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है तो हम इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते, तरीका रीडिंग से लेने का नहीं है ये हमें पता हो तो हम उसको भी सेट कर लेते, लेकिन इस एरर का हमें पता ही नहीं होता कि आ किस वजह से रहा है, इसलिए एलिमिनेट करना इसको आसान नहीं है। लेकिन इसको एलिमिनेट करने का एक तरीका है कि हम क्या करें कि बहुत सारी रीडिंग ले, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ले उसकी, और फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स करेक्ट वैल्यू होगी या स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास ही आएगी। ठीक है, तो द लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग आर टेकन एंड देन द अर्थमेटिक मीन इज टेकन सो एज टू रिड्यूस द एरर। हम बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं और उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, जिससे कि वो एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्स रिड्यूस हो जाता है, पूरी तरह से रिड्यूस तो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एरर हम एन टाइम्स बढ़ा देते हैं, यानी कि रीडिंग्स हम एन टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो एरर जो है वो एन वन अपॉन एन टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेट अस कंसिडर ऑब्जर्वेशन विथ वैल्यूज ए वन ए टू। मतलब कि हम मान लेते हैं कि हमने कुछ रीडिंग्स ली, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग ली हमारे पास ए वन आई, सेकंड रीडिंग ए टू आई, रीडिंग हम ले रहे हैं, रीडिंग एक ही रीडिंग को बार बार ले रहे हैं, जैसे हम किसी का मेजरमेंट निकाल रहे हैं या टेम्परेचर नोट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम सेम ऑब्जेक्ट का हम बार बार उसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए वन किसी और ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट है, ए टू किसी और ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट है, ऐसा नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को हम बार बार मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कि ताकि जो एरर है वो मिनिमाइज हो सके। तो हमने फर्स्ट बार में रीडिंग निकाली ए वन आई, सेकेंड टाइम में ए टू आई, एंड थर्ड टाइम में ए थ्री आई है। जरूरी नहीं कि रीडिंग बार बार अलग ही आए, कुछ दो तीन रीडिंग सेम भी आ सकती है एंड कुछ रीडिंग कम भी आ सकती है, कुछ ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, हम एक ही इंस्ट्रूमेंट की बार बार ले रहे हैं रीडिंग, इसलिए इस तरह से हमने एन नंबर्स ऑफ रीडिंग ले ली। देन द मीन वैल्यू विल बी, मीन वैल्यू निकालना हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं, आपको पता होगा मीन को हम लिखते हैं ए बार या फिर ए एम सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं, और सभी का सम करते हैं और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीडिंग कितनी एन है। ठीक है, एन रीडिंग हमने ली है और जो रीडिंग हमने ले रखी उनको ऐड कर लिया और एन से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ जो वैल्यू है कि मीन वैल्यू वो स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास की होगी। ठीक है, यानी कि एरर मिनिमाइज होगा, उसमें एरर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एरर है, वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होता है वो होता है कि किसी पर्सन की मिस्टेक की वजह से होता है। ठीक है, केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, अपन रीडिंग लेने का तरीका सही नहीं है, वो रीडिंग गलत तरीके से ले रहा है या फॉर्मूले में वो गलत रीडिंग पुट कर रहा है जो रीडिंग ली है, और ध्यान से नहीं देखा कि रीडिंग हमने क्या ली है और फटाफट से वो रीडिंग करते जा रहा है गलत पुट करके, या फॉर्मूला उसने गलत पुट कर लिया, या रीडिंग ली तो देखा कुछ और है और उसने लिखा कुछ और है, तो यानी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। इसमें कुछ सोर्सेस है इसके, द कॉज ऑफ सच एरर्स में भी क्या क्या कारण हो सकते हैं इस एरर के। फर्स्ट है रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेट इट प्रॉपरली, मतलब कि जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रीडिंग ले रहा है और उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर सेट किए बगैर ही रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया तो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग ही देगा। नेक्स्ट है टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, मतलब कि ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका ही सही नहीं है कि उसको रीडिंग, यानी कि ऑब्जर्व या तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है या फिर फर्स्ट टाइम रीडिंग ले रहा है या उसको तरीका नहीं पता है कि किस तरह से हमें रीडिंग लेनी है, तो वहाँ पर जो अगर रॉन्गली रीडिंग लेगा तो रीडिंग भी रॉन्ग ही आएगी।
एंड थर्ड है रीडिंग द ऑब्जर्वेशन इनकरेक्टली, मतलब रीडिंग को पढ़ना भी सही से नहीं, अगर जो रीडिंग आ रही है उसको सही से रीड नहीं करके कुछ और जो रीडिंग आई है वो नहीं लिखे कुछ और रीडिंग नोट कर ली, ठीक है। तो रीडिंग को इनकरेक्टली रीड करना भी इनकरेक्टली रीडिंग ही देगा। एंड लास्ट है यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज इन द कैलकुलेशन, मतलब फॉर्मूला लगा के वो कैलकुलेशन कर रहा है बट फॉर्मूले में जो वैल्यूज सही पुट करनी चाहिए, रीडिंग जो पुट करनी चाहिए वो वैल्यूज पुट नहीं कर रहा है और कुछ और यानी कि केयरलेसनेस की वजह से कुछ और वैल्यूज डाल दी और उसको सोल्व करने लग गया, तो वहाँ पर भी जो फाइनल आंसर आएगा वो भी कम ही आएगा, ठीक है। तो मतलब कि क्रॉस एरर का मतलब होता है कि जो ऐसे एरर जो केयरलेसनेस की वजह से एरर आए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।